फाइनली विक्रम वेधा के इंतजार का हुआ दी एंड। 24 अगस्त को आ रहा है विक्रम वेधा का 1 मिनट 46 सेकंड का लंबा धांसू टीजर। जी हाँ, समय नोट कर लीजिए, दिन याद कर लीजिए। 24 अगस्त को ऋतिक रोशन के धमाके से सारा हिंदुस्तान गूंजने वाला है। ऋतिक के फैंस विक्रम वेधा की जोड़ी को देखने के लिए ना जाने कब से कावरे बावरे हुए पड़े हैं। अब फाइनली वो इंतजार को मेकर्स ने खत्म कर दिया है और विक्रम वेधा के टीजर की रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी है। 24 अगस्त को इस फिल्म का धमाकेदार टीजर दर्शकों के बीच आ रहा है, लेकिन इससे पहले ऋतिक रोशन अपने इस फिल्म का टीजर मीडिया के साथ एंजॉय करने वाले हैं। दरअसल ऋतिक रोशन कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट के साथ विक्रम वेधा का टीजर मंगलवार यानी आज इवनिंग में करीब 5 बजे मुंबई में देखेंगे। हालांकि कल यानी के बुधवार 24 अगस्त को मॉर्निंग में रिलायंस 11 बजे विक्रम वेधा का टीजर लॉन्च करेगी। एज पर सोर्सेस ये 1 मिनट 46 सेकंड लंबा टीजर है जो हाई एक्शन एक्शन डायलॉग बाजी और थ्रिल से भरा हुआ है। ये टीजर दर्शकों के भीतर तूफान लेकर आएगा। आपको बता दें कि विक्रम वेधा का टीजर 11 अगस्त को ही रिलीज होने वाला था। लाल सिंह चड्ढा के साथ टीजर को भी ऑडियंस को दिखाने का फुल प्लान किया गया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया था कि टीजर को फिल्म से अटैच नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए अलग से थिएटर्स को रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं और विक्रम वेधा का टीजर आउट होते होते रह गया। इतना ही नहीं, विक्रम वेधा 35 डेज का एक कैंपेन है और इसी वजह से इसकी तैयारियां दनादन स्टार्ट हो गई हैं। अब ऐसे में फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होने वाली है और ऐसे में टीजर लॉन्च के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। लिहाजा खबरें हैं कि विक्रम वेधा के ट्रेलर को ब्रह्मास्त्र के साथ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद एक सॉन्ग होगा लॉन्च और एट द एंड फिल्म 30 सितंबर को थिएटर्स में धप्पा बोल देगी। बताइए, ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।